पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। घटना के बाद ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह तहस नहस हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ यात्रियों की मौत भी हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह सियालदा जा रही थी ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अफसर पहुंचे हैं। राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रैक से बोगियों को हटाकर फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कंचनजंगा की 3 बोगियां बुरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। कई यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसा रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकली ही थी और किशनगंज होकर सियालदा जा रही थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौके पर एक टीम भेजी है। हादसा इतना भयंकर है कि बोगियों के ऊपर बोगियां चढ़ गई। इतना ही नहीं, ये बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गैस कटर से काटकर बोगियों को निकाला जा रहा है। अब तक 5 की मौत हो चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी यात्री ने बताया कि वह ट्रेन के अंदर बैठे थे, तभी पीछे से जोर का झटका लगा। उन्हें कुछ समझ आता, यात्री यहाँ वहाँ भागने लगे। तेज चीखें और शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था। वह भी ट्रेन से उतरकर पीछे की ओर भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।